तो चलिए बात करते हैं डेटा स्टोरेज के फ्यूचर के बारे में। क्या आप जानते हैं ये इतना छोटा हो सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और शायद आपके अंदर ही रह रहा हो। इमेजिन कीजिए एक छोटी सी चीनी की क्यूब में हर मूवी को स्टोर करना। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, पर यही वह जगह है जहां डीएनए स्टोरेज काम आता है। डीएनए स्टोरेज डेटा को एनकोड करने के लिए सिंथेटिक डीएनए स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, वही डीएनए जो आपने बायोलॉजी क्लास में पढ़ा था। ये सिर्फ कॉम्पैक्ट नहीं है बल्कि अल्ट्रा डेंस है। डीएनए का सिर्फ 1 ग्राम लगभग 215 पेटाबाइट्स डेटा होल्ड कर सकता है। इस प्रोसेस में डिजिटल डेटा को डीएनए के 4 बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के सीक्वेंस में बदलना शामिल है। आपकी हार्ड ड्राइव्स कुछ दशकों तक चल सकती हैं, लेकिन डीएनए बिना किसी पावर के हजारों सालों तक डेटा को सुरक्षित रख सकता है। तो अगली बार जब आप